श्रीमद् भागवत गीता लेसन नंबर 3। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, यानी कि कंप्लीट नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन कुछ लोग इस कमी को अपनी मर्यादा बना लेते हैं, यानी कि अपनी बाउंड्री, और इसमें अटक जाते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सभी कमियों को अपनी मर्यादा नहीं मानते, मतलब they do not set boundaries for themselves because of their shortcomings। वो उसी मर्यादा को लांघते हैं, अपनी कमियों का सुधार करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिमांशु, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत सूदिंग है, बहुत पीसफुल है, बड़ा अच्छा लगता है इस आवाज़ को सुन के। लेकिन जो लोग मुझे जी सिने स्टार्स की खोज 2004 से जानते हैं, वो ये बात अच्छे से समझते होंगे कि मेरी आवाज़ उस समय कितनी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन मैंने इस आवाज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं माना, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि इस आवाज़ को ठीक करना है, इसका सुधार करना है, इसको अपनी मर्यादा नहीं बनाना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और इसी कारण मैंने आई थिंक 3 से 4 साल क्लासिकल सिंगिंग की प्रैक्टिस की, अपनी वोकल कॉर्ड्स की रेंज को बढ़ाया, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आज वही आवाज़ जो बहुत साल पहले ख़राब थी, बहुत ही ऊंचे सुर पे थी, बहुत ज़्यादा श्रीकी थी, बहुत ज़्यादा पतली थी, बहुत ज़्यादा खटकती थी कानों में, आज वही आवाज़ सूथिंग और पीसफुल लगती है, बिकॉज मैंने उस शॉर्ट कमिंग के ऊपर काम किया और ज़िंदगी में आगे बढ़ा। मैं आप सबसे भी कहूँगा, अपनी शॉर्ट कमिंग्स यानी कि अपनी जितनी भी कमियाँ हैं उसका सुधार करें, मेहनत करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। यही श्री कृष्ण जी भी कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में। बी शेयर, बी ग्रो।